क्या विनोद, सीट लगा? नहीं भैया अभी तो नहीं लगा। बोलो दो लोग उसका पैंट पकड़े हुए हैं। वो पानी फेंक, इसका पानी फेंक। कह रहा भैया ढक्कन नहीं खुला, बोतल ही फेंक दे। जो गांव की राजनीति कितनी बदतमीजी भरी राजनीति है। ये जो इलाका है उत्तर भारत का, ये बहुत खतरनाक इलाका है। यहाँ के आदमी पास कोई काम तो है नहीं, तो दिमाग ही लगाना है, खुराफात करना है। करेगा वो, जब तक तुमसे डरेगा नहीं तब तक खुराफात करेगा वो, उसका नेचर ब्लड में है उसके। शहर वाले बेचारे कहते गाँव के लोग बहुत सीधे होते हैं। आओ आओ आओ। ये जो इलाका है उत्तर भारत का, ये बहुत खतरनाक इलाका है। यहाँ के आदमी के पास कोई काम तो है नहीं, तो दिमाग ही लगाना है, खुराफात करना है। करेगा वो, जब तक तुमसे डरेगा नहीं तब तक खुराफात करेगा वो, उसका नेचर है, ब्लड में है उसके। कोई काम है ही नहीं, जमीन उपजाऊ है, पानी अवेलेबल है, शादी सबकी हो ही जा रही है, तो जिंदगी चुनौती नहीं है, खतरा नहीं है, खाली बैठा। तुम अपने अगल बगल देखो, कुछ लोग तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट करते हैं अननेसेसरली, बिना मतलब। पंचायत सीरीज देखा ना, बड़ी प्यारी सीरीज है, देख लो, ऐसे लिखने के काम आएगी लोकल बॉडीज पे। पंचायत, उसमें एक कैरेक्टर है बनराकस, भूषण। सोचो गाड़ी के इधर कितना रास्ता खड़ा पड़ा हुआ है, वहीं आगे टी बजा रहा है। करा पंचायत ऑफिस की गाड़ी है ना, कहे हाँ, कहा हटाओ रास्ते से। अरे करा इतनी जगह इधर पड़ी है, कहा ना हटाओ, हम इधर से ही जाएंगे। देखो बदतमीजी उसकी, उसको विनोद को भड़का रहा है। क्या विनोद, सीट लगा? नहीं भैया अभी तो नहीं लगा। क्या कर, अब देखो विनोद कितना इनोसेंट आदमी है, कह रहा है कि भैया सचिव जी क्या करें भैया, सीट गिर के टूट गया। कहा नहीं विनोद, कुछ करना होगा। तो कैसे भड़का रहा है उसको, इतना भड़का दे रहा है कि जा रहा मैदान में डीएम के आते हुए। देखो गांव की राजनीति कितनी बदतमीजी भरी राजनीति है। मतलब दो लोग उसका पैंट पकड़े हुए हैं। हाँ, दो लोग उसका पैंट पकड़े हुए हैं। करा पानी फेंक, इसका पानी फेंक। करा भैया ढक्कन नहीं खुला, का बोतल ही फेंक दे। विधायक देखो, विधायक को देखो, करा कुछ बदबू आ रही है। करा सेंट लगाए, सचिव जी बेचारे परेशान है गांव में, फिर उनको जीने का एक बहाना मिल गया, रिंकी उसके लिए गए बेचारे, केक उक लेकर आए, नल चलाना पड़ रहा है। गांव शहर का आदमी टैप खोला, शावर खोला, नहा लिया। गांव में जो है नल लगे हुए हैं, उसमें 50 बार मारो तो एक बार इतना पानी निकलता है, वहां के लड़के को पुशअप मारने की जरूरत ही नहीं है। सब पता नहीं कहां से नल इंपोर्ट होके आए हूँ, तो इसे हिलाते रहो, बस आवाज करेगा खड़, ऐसा लगे कि पानी बहने वाला है। और उसी में वो जो है उसका उसका जो सचिव है प्रहलाद, और एक का नाम उसका, अरे प्रहलाद के साथ एक रहता नहीं है, विकास, विकास कहता ही सचिव और रिंकी जी के बीच कुछ चल रहा है प्रहलाद चाचा। कह रहा पगला गए हो बे, कहता देखे नहीं कैसे रिंकी को पागल कह रहे थे। कहते प्रहलाद चाचा ये अजब तरह के पागल होते हैं, हम भी जब अपनी बीवी पे कभी कभी नाराज होते हैं ना तो उसको पागल ही कहते हैं। क्या पिक्चराइजेशन है यार, क्या थीम लिखी गई है, हर एकदम रियलिटी दिखाई गई है। प्रधान से डीएम साहिबा कहती हैं कि चलो अच्छा आप ही हमेशा आप झंडा फहराती हैं, कहती हैं हाँ मैं ही फहराती हूं, कहीं चल जनगण मन गा। सब सीरीज देखने से तुम्हारी ऐसे लिखने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो लोकल बॉडीज कैसे काम करती हैं, उसका जो सिस्टम है, किसी घर जाओ तो लौकी लेके जाओ, खाली हाथ कभी मत जाओ।
अब विधायक के घर जाओगे लौकी लेके तो नाराज हो ही जाएगा। कहता ये क्या प्रधान जी? कहता लौकी। कहता मुंह में डाल दो आओ। तो कहते हैं शहर वाले बेचारे कहते हैं गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, आओ 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 बताएं। तो तुम दो दिन रहते हो तो तुमको लगता है ना, जिसका डेली का काम है पानी चलाओगे गन्ना में मेढ़े काट लेंगे, रात भर पानी बाहर बह गया नहीं। रात भर जब पानी चलता है गन्ने में तो रखाना पड़ता है, घूमना पड़ता है, देखना पड़ता है टार्च मार मार के कि आले काट तो नहीं दिए। मटर की फसल लगी गोरू छोड़ दिए, ऐसे ही घुसा दिए, अपना नहीं दूसरे का, कि दोनों लाठी चले। और जहां तुम गांव पहुंचे किसी गाय चोरी हो गई, गांव अलर्ट हो गया पूरा कि यही अरे भैया। जब गांव पहुंचो कोई ना कोई कांड हो जाए, पूरा गांव अलर्ट रहता है भैया ऐसे बदतमीजी ना किया। और जिसको जान गए बदतमीज है उससे तो इतना सराफत से इस देश के लोग रहते हैं, बस जान जाएं कि तुम बदतमीज हो। ये जो इलाका है ये बहुत खतरनाक। वजह ज्योग्राफी, रेगिस्तान है तो यहां का लड़का क्या खाता है? बाजरा, गेहूं होता ही नहीं, बाजरा बाजरा। और इतनी ताकतवर फसल है बाजरा, रागी वागी तो आज की जनरेशन खा ही नहीं सकती। जो रागी वागी होता है उसको तो आज की जनरेशन खा ही नहीं सकती, खा ही नहीं पाएगी। गेहूं जो है बहुत सॉफ्ट खाना है, और गेहूं से भी सॉफ्ट है मैदा, लेकिन चूंकि रिफाइंड है इसलिए खतरनाक है। रिफाइंड जो भी है वो खतरनाक है, चाहे वो तेल हो, चाहे आटा हो, चाहे जो भी हो, रिफाइंड है तो खतरनाक है। बाजरा खाता है, औरतें 20-20 किलोमीटर से 10-10 घड़ा लेकर पानी आती। तुम सोचो उस एरिया की औरतों के बारे में, रावण मरा उसकी बीवी ने विभीषण से शादी कर लिया, सुग्रीव की मरे बाली की डेथ हुई उसकी बीवी ने सुग्रीव से शादी कर लिया। लेकिन दुनिया का एकमात्र इलाका है जहां की औरतों को जब पता चलता था कि मेरे आदमी मरने जा रहे हैं तो वो जौहर करती थी। कितना आत्मसम्मान वाला इलाका है राजस्थान। कि दूसरा चाहिए ही नहीं, औरतें जौहर करती थी।